पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही और चंदौली सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। बरेली से सुभाष पटेल को टिकट मिला है, वहीं हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन, फतेहपुर से रामकिशन पाल और भदोही से प्रेमचंद बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा चंदौली से जवाहर को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, अपना दल के और AIMIM ने गठबंधन कर PDM बनाया है और उसी को लेकर अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उनका तेलंगाना में किसी से भी अलायंस नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जरूर उनका गठबंधन है। ओवैसी के मुताबिक यूपी में PDM बनाया हुआ है। एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ ही हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में PDM हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है।